Good morning everyone. Today I am Anita Yadav from Sura School. Sura School is the best school. Sura School provides better education for welfare of student. Today I want to teach a lesson called, so let's start. Lesson called, काल. काल का अर्थ होता है समय. काल. इसकी परिभाषा हम क्या लिखे हैं कि क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं. यानी जो काम हम जिस समय में कर रहे हैं उसे हम कहते हैं काल. काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. अब इन तीनों काल की पहचान जानने के लिए हम उनकी वर्ड जो लिख रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से काल में आते हैं. और इनके वर्ण नियम जो है, पहचान जो इसकी जानने के बाद आपको सेंटेंस पहचानने में इजीली मदद मिल सकती है. तो इसकी पहचान एक बार आप नोट भी कर सकते हैं, इसको अच्छे से आप देख भी लीजिए. भूतकाल की पहचान है था, थी, थे, चुका या ई ए आदि. ये वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं जिस भी सेंटेंस में, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो है हमारा भूतकाल. वर्तमान काल, वर्तमान काल के जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते है, रहा है, रहे हैं. ये अगर वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो काल है वर्तमान काल है. फिर आता है थर्ड नंबर पर भविष्य काल. भविष्य काल की जो पहचान है वो है गा, गे, घी आदि. यानी ये वर्ड्स आपको जहां भी नजर आते हैं सेंटेंस के पीछे क्रिया के साथ लगे हुए मिलेंगे तो आप पहचान जाओगे कि ये जो है भविष्य काल. अब इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषाएं समझ लेते हैं जिसे हमें समझने में और भी आसानी होगी. भूतकाल, भूतकाल की छोटी सी डेफिनेशन है इनकी कि भूतकाल क्या होता है. बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं. जो बीत गया समय उसे हम भूतकाल कहते हैं. जो काम हमने पास्ट में किए हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह बाजार गया, या सेंटेंस में था जाए तो भी ये वाक्य पूरा माना जाता है. वह बाजार गया, ये भी सेंटेंस पूरा है, और वह बाजार गया था तो ये भी सेंटेंस भूतकाल के अंदर ही आता है. तो इसकी पहचान आप पीछे से देख सकते हो, भूतकाल में. उसके बाद आता है वर्तमान काल. वर्तमान काल किसे कहते हैं हम, जो समय जो काम चल रहा है या चल रहे समय को, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं. जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं वह खाना खा रहा है. तो ये जो सेंटेंस है खाना खा रहा है, ये क्रिया को देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से समय में हो रहा है, ये है वर्तमान काल. अब इसका जो तीसरा भेद है वो है आपका भविष्य काल. भविष्य काल, भविष्य काल कहते हैं हम आने वाले समय को, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं. यानी कि जो काम अभी हुआ नहीं है आने वाले समय में होगा जिसका हमें नहीं पता है. जैसे मोहन बाजार जाएगा बच्चा गेंद से खेलेगा. अब इन दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हो कि पीछे जो क्रिया है वो किस तरह की आई हुई है, उसमें कौन से चिन्ह लगे हुए हैं, कौन से निशान है, तो उसे आपको पता चल जाएगा कि ये भविष्य काल है. मोहन बाजार जाएगा, बच्चे गेंद से, बच्चा जो है वो गेंद से खेलेगा. तो ये जो सेंटेंस है ये आपके भविष्य काल के हैं. एक बार फिर से आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो है मुश्किलों को, समस्याओं को थोड़ा सॉल्व करूंगी. सो धन्यवाद.
थैंक यू.